नमस्कार दोस्तों, हर दिन कुछ नया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी शरद पूर्णिमा की पूजा की संपूर्ण विधि और किस प्रकार से लोगों ने भगवान की पूजा की, उनके लिए प्रसाद बनाया। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा या राज पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को कहते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है, इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। मान्यता है कि इसी रात्रि को चंद्रमा के किरणों से अमृत रस बरसता है, इसीलिए उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने की परंपरा है। इस दिन माता महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। महालक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। इस दिन पूजा करने से माता लक्ष्मी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से महिलाओं ने चंद्र देवता की पूजा आराधना की, महालक्ष्मी की आरती की और किस तरह से उन्होंने पूजा की संपूर्ण विधि के द्वारा शरद पूर्णिमा के इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। तो चलते हैं और देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। चांद छुपा बादल में अभी देखो जब से शरद पूर्णिमा की इस पावन तिथि पर मैंने आपको महिलाओं द्वारा किए गए पूजा पाठ की कुछ झलकियाँ दिखाई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहें हर दिन कुछ नया। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें।